केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सजा मामले में उत्तर प्रदेश जिला जज कोर्ट का फैसला आया है और सजा जुर्माना सस्पेंड किया गया है। सजा के खिलाफ नकवी जी की ओर से अपर कोर्ट जिला जज में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि ACJM कोर्ट ने नकवी सहित 19 लोगों को एक साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट में मुख्तार अब्बास नकवी के वकील ने बताया कि आज उनको पेश किया गया था और 15,000 रुपए जमानती बॉन्ड भी भरा गया है। इस मौके पर नकवी जी मीडिया से बात करने से बचते रहे। प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने फिर भी सजा की, उसके हम अपील करेंगे। सजा गलत हुई है, उसके हम अपील करेंगे। कितनी सजा हुई है? एक साल की सजा मैक्सिमम हुई है। तो इसमें दोष मुक्त 188 में। जुर्माना कितना पड़ा? जुर्माना 4,000 पड़ते जी। 4,000 4,000 जुर्माना और सजा? सजा एक साल की मैक्सिमम। अच्छा, तो बेल के लिए बेल हो गई। अच्छा, सेना की सेक्युरिज्म हटाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेक्युरिज्म या पंथ निर्देशता संविधान की आत्मा है। निश्चित तौर से हमारा संविधान जो उसकी आत्मा है, सेक्युरिज्म पंथ निर्देशता, मुझे लगता है कि इसको हटाने की व्यक्तिगत रूप से कोई भी मांग कर सकता है, लेकिन हम नहीं मानते कि इसको हटाने की जरूरत है। 2009 के लोकसभा के चुनाव के समय हमारे पार्टी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष उनको शायद थाने में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कुछ कार्यकर्ता उनसे मिलने गए थे। उस संबंध में एक 144 धारा 144 तोड़े जाने से संबंधित एक केस उस थाने के द्वारा लिखा गया था। उसमें 200 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें 20 लोग नामजद थे। वो उसमें केस की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें वो निर्णय हुआ है। हम उस निर्णय का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी कानूनी उसकी प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। जमानत मिल गई आपको? हाँ, उसमें जमानत दी। कितना जुर्माना भरना पड़ा? नहीं, इसमें जुर्माना तो जो है वो अब जो भी जो कानूनी प्रक्रिया उसको देखेंगे। इसमें अभी और इंडिया 24 के लिए रामपुर से असीम अजीज की रिपोर्ट।